नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर 2023 का डेयरी साइंस एमसीक्यू पेपर सॉल्यूशन, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, तथा साथ ही बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो भी प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर, 1965। अगला क्वेश्चन, हंसा परीक्षण किस दूध की उपस्थिति परखने को किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर, भैंस के दूध में गाय का दूध। अगला क्वेश्चन, घी के भंडारण का संस्तुत तापक्रम है? ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर, 21 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर उष्ण प्रिय जीवाणु सर्वाधिक विकास करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर, 50 to 80 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, घी में वसा की मात्रा लगभग होती है? ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर, 95.5% से 99.9% तक। अगला क्वेश्चन, दुग्ध शर्करा को किण्वित करने वाले जीवाणु का नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेट पाश्चुरीकरण में समय तापमान तारतम्य होता है? दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर में नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर, लुई पाश्चर। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, खीस में प्राकृतिक अम्लता होती है? ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर, 0.4 से 0.6%। अगला क्वेश्चन, भैंस के दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर, कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, अपकेंद्री बल द्वारा दूध से जीवाणुओं को अलग करने को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर, बैक्टोफ्यूगेशन। अगला क्वेश्चन, डेयरी उद्योग में कौन सा प्रतिशत बहुतायत में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, दूध गाय के दूध में अपेक्षित घनत्व होता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर, 1.028। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध में वसा रहित ठोस SNF पदार्थ की कानूनी मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर, 8.5%। अगला क्वेश्चन, गाय के ताज़ा दूध में प्राकृतिक अम्लता की सीमा होती है? 6.6 से 6.7। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध की प्राकृतिक अम्लता का कारण है? ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर, उपरोक्त सभी, केसिन साइट्रेट फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्किम्ड मिल्क का अपेक्षित घनत्व होता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर, 1.032 से 1.037। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक क्रीम में वसा परसेंटेज होता है? 65 से 85%। ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दूध की विकसित अम्लता का कारण है? दोस्तों, यह क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर, लोहा। अगला क्वेश्चन, दूध का अपेक्षित घनत्व होता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर, 0.93। अगला क्वेश्चन, गाय के शुद्ध घी का रिचर्ट मिशेल RM मान होता है? ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर, 28 से 30। अगला क्वेश्चन, दूध में वसा किस अवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर, इमल्शन अवस्था। अगला क्वेश्चन, क्रीम का उदासीनीकरण द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला क्वेश्चन, घी बनाने की सर्वोत्तम विधि होती है? ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर, मक्खन विधि।
अगला क्वेश्चन, दूध क्रीम में वसा की मात्रा को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मानकीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मीठी दही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मिष्टी दही। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की मात्रा उपलब्धता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 425 ml। अगला क्वेश्चन, दूध में पानी की मिलावट द्वारा जांच की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लैक्टोमीटर द्वारा। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।